हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। और आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ जी फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ मलेशिया और मैं जा रही हूँ कुआलालंपुर। अभी थोड़ी सी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं, तो अभी रास्ते में ज़रा रुकी थी रेस्ट रूम के लिए। अब मैं इंशाल्लाह आपको कुआलालंपुर में मिलूँगी। यहाँ का वेदर थोड़ा हॉट है बट फुकेट थाईलैंड जैसा नहीं, और सिंगापुर का काफ़ी अच्छा वेदर था लेकिन उससे थोड़ी गर्मी है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अब तक का, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जगह है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सो यहाँ पे रेस्ट रूम जो है ना वहाँ पर बड़ी अच्छी शॉप्स वगैरह हैं, देख के तो दिल जाता है कि सब कुछ ही ले ले बंदा, लेकिन अब क्या करें है। तो आपको भी दिखाती हूँ, विजिट कराती हूँ, ठीक है, कि मलेशिया में जब आप आओ तो यहाँ के रेस्ट रूम्स किस तरह के होते हैं। लेकिन जो सिंगापुर है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सिंगापुर के अंदर जो क्लीनलीनेस है ना, वो अभी यहाँ पे मतलब मैं वॉशरूम का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मार्केट है यहाँ पे, ये कितने के रिंगल्स? 6 रिंगल। अच्छा यार, आई हैव नो आइडिया। ये हाँ, सिक्स लगा लो, वही 300-400 रुपये। ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मज़े की चीज़ें हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंड दीज आर द ब्यूटिफुल पाइनएप्पल्स। यहाँ का लोकल म्यूजिक चल रहा है, यू कैन सी द ब्यूटिफुल पाइनएप्पल्स। डिफरेंट तरह के चिप्स हैं, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, है ना। अच्छा हुआ मैंने वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, अब मैं यहाँ पैसा उड़ा सकती हूँ जो दिल चाहे। अब तो ये है ना, मैं कह रही थी कि अब मैं यहाँ से जी भर के शॉपिंग कर सकती हूँ, बिकॉज इसके बाद मैंने जाना है कराची। अब तो है, जो पैसे मैं सब खर्च करूँगी तो मेरा जो दिल चाहेगा मैं लूँगी। ये है आई थिंक पापड़ शापड़ स्टाइल है कोई, प्रॉन क्रैकर्स हैं, ओके। और ये भी इस तरह के कोई क्रैकर्स हैं, यहाँ पर क्रैकर्स का काफ़ी मुझे ना नज़र आ रहा है, सीन है। आई डोंट नो व्हाट्स इट्स प्राइस बट मज़े का लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, इट्स गुड। लेकिन यहाँ देखो कितनी तरह के क्रैकर्स हैं, ये देखें, एलमंड पीनट्स भी लगे हुए क्रैकर्स पे, और इस तरह की चीज़ें, चिप्स वगैरह। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, इस तरह से सारी पार्किंग्स होती हैं। लेकिन ना फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है, थोड़ी गर्मी है। सिंगापुर का वेदर वॉज वेरी गुड, वहाँ पे मैं पसीना नहीं आया, फुकेट में आया थे, गर्मी लग रही थी, यहाँ नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा भी, या तो भी टाइम इस तरह का हो रहा है ना दोपहर का, तो मे भी इस वजह से। तो बस अब चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह कुआलालंपुर पहुँचते हैं, एंड देन आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कचरा उठाने का सिस्टम, ऐसे नहीं कि हाथों से उठा उठा के डाल रहे हैं, वो एक चिमटा सा है उससे पकड़ के डाल रहे हैं। सो एनीवेज, बस अब गाड़ी में चलते हैं एंड देन डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर कराएंगे मलेशिया। अभी मैं हूँ यहाँ पे 4 दिन, तो और मुझे बहुत जल्दी भी है कि मैं जल्दी से अपना टूर कंप्लीट करूँ, मैं जाके अपने बच्चों को गले लगा लूँ, बिकॉज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। जनाब, तो आ गई हूँ मैं मलेशिया में, अनकासा होटल में मैंने स्टे किया। अगर क्या खूबसूरत ये होटल है, मैंने कहा इससे पहले कि मैं अपना सामान फैलाऊँ, मैं जल्दी से आपको ना रूम टूर दे देती हूँ, ताकि आप लोग देखिए मेरा रूम कितना मज़े का है। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई रूम, एज यू कैन सी, लेट मी शो यू, कि यहाँ पे एंटर होते ही ये हमारी एक कबर्ड है, ठीक है, कबर्ड है, और
उसके बाद ये यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारा वॉशरूम है, इट इज़ लाइक दिस, ये वॉशरूम है। और मज़े की बात, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं, हैंड सोप हो गया उधर, शैम्पू वगैरह हो गया। और फिर सबसे मज़े का जो है ना, ये दरवाज़ा है, ये देखो ये जो दरवाज़ा है ना, इसके ऊपर पूरा मिरर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आए तो ये हमारा ड्रेसिंग है, टीवी है, ठीक है, और ये मेरा बेड है, ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है। और जो सबसे मज़े की जो चीज़ है ना, वो क्या है, वो है मेरे कमरे का व्यू। जस्ट चेक इट आउट फ्रेंड्स, ओ ला ला, चेक करें, ये देखें, वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो है ट्विन टावर जो बहुत फेमस है कुआलालंपुर का। इधर करो, ये बिल्डिंग देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें नीचे ट्रेन जा रही है, ब्यूटीफुल व्यू, पूरा मुझे अपना अपनी विंडो से पूरी सिटी नज़र आ रही है। मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी गुड व्यू कि मैं यहाँ से बैठ के यूँ सामने इंजॉय करूँगी ट्विन टावर का व्यू। सो दिस इज़ लाइक द वाइब ऑफ माई रूम। तो थकी भी बहुत हूँ लेकिन रूम देख के खुश हो गई हूँ। सो अब देखिए, अभी मैं तैयार श्यार होते हैं, ज़रा नीचे चक्कर वगैरह लगाते हैं, देखते हैं कि क्या करना है। मनी एक्सचेंज करानी है, मैंने मनी नहीं एक्सचेंज कराई हुई, तो मेरे पास अभी सिंगापुरियन डॉलर्स और यूएस डॉलर्स ही हैं। उसको मैं अब मलेशियन रिंगट में चेंज कराऊँगी, देखती हूँ यहाँ पर क्या रेट मिल रहा है। तो बस अब चलते हैं, आए ज़रा एक व्यू, एक दफ़ा और व्यू कराऊँ रूम से, ब्यूटीफुल। डे में भी कराऊँगी व्यू, डे टाइम में, वो देख। तो मैं इस वक्त हूँ मलेशिया में, और मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके निकली हूँ, अभी करेंसी चेंज कराऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी, आप लोगों को बताऊंगी भी। सो दिस इज कुआलालंपुर मलेशिया, बहुत मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग। सबसे बड़ी बात ये कि सेफ्टी है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अकेले इजिली आप घूमो फिरो जो भी करो। कितनी मजे की हैं, बाइक्स चेक करें, ये देखें। मुझे वैसे मलेशिया बहुत पसंद आया है, सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड, मुझे सबसे ज्यादा सिंगापुर और मलेशिया दोनों पसंद है। सिंगापुर की जो वाइब है ना, वो बहुत इंग्लिश कंट्री की वाइब है, जैसे आप कोई यूरोप साइड पे हो ना, तो सिंगापुर की ना वाइब बहुत गोरों वाले मुल्क जैसी है। बट जो मलेशिया है, मलेशिया इज लाइक दुबई, इसकी जो वाइब है ना, वो काफ़ी हद तक दुबई जैसी है। तो है भी मुस्लिम कंट्री ऑफ कोर्स, तो ये है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी यहाँ से टेक्सास चिकन से कुआलालंपुर ये लिया है, और ये है यहाँ की करेंसी। सही है, तो ये बेसिकली 100 को मैंने चेंज कराया, 100 मलेशियन रिंगट्स को चेंज कराया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या आने वाला है, एंड दिस इज़ द एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय ड्रिंक जो कि हम रिफिल कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्राइज, साइज इज़ वेरी गुड, दिस इज़ द चिकन एंड दिस इज़ द बर्गर। बर्गर का साइज स्मॉल है, बट लेट्स सी, बट लेट्स सी कि हाउ इट्स टेस्ट। फ्राइज मज़े के हैं, चिकन बहुत गर्म है, एक हाथ से नहीं खा सकती हूँ, तो खा के बताऊँ कैसे। बर्गर स्पाइसी है, चिकन इज वेरी गुड, ओवरऑल थम्स अप।
ओके फ्रेंड्स, तो खाना वाना मैंने खा लिया है। यहाँ पे सामने एक स्टोर है 7-Eleven, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, हर जगह पे ही था वैसे तो। और मैं अभी तक यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, रात को ही बस लिया था सिंगापुर से पानी और आइसक्रीम। कॉर्नेटो ली थी, मैंने कहा कॉर्नेटो ट्राई करती हूँ कि कैसी है। कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा है, पी नहीं जा रही, रिफिल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं फैंटा टेस्ट करूँगी, बस फिर चलूँगी। ये है ऐसी पर्पल कलर की, मजे की पर्पल। दिस इज द स्टोर 7-Eleven एंड लेट्स गो इनसाइड एंड चेक। बहुत मजे मजे की चीजें नजर आ रही हैं यहाँ, वैरायटी ऑफ डिफरेंट चिप्स एंड एवरीथिंग। ये यहाँ पे ये नूडल्स हैं, ये मैंने लेने अपने बेटे के लिए, अलियान को बहुत पसंद। फ्लैट वाइट कॉफी, ये देखें चीज नूडल्स, आइसक्रीम कॉर्नेटो, क्रीम चीज पुडिंग्स, ये तो बहुत मजे मजे की चीज है। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से लिया है डोरिटोस, ठीक है, डोरिटोस लिया क्योंकि ये हलाल है, क्योंकि वहाँ थाईलैंड में तो आप ले ही नहीं सकते ना, और सिंगापुर में बहुत चेक करके ना, तो मैंने इस तरह के कोई भी स्नैक उन दोनों जगहों से ना लिए ना एज सच खाएं। और ये मैंने लिया है रामेन, आलियान रामेन हॉट चिकन, आलियान को बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने अपने लिए लिया है। तो मैं इंशाल्लाह जब जाने लगूंगी ना, तो मैं आलियान के लिए भी ये लूंगी रामेन, और डोरिटोस भी लूंगी अपने लिए। द वाइब ऑफ 7-Eleven मलेशिया कुआलालंपुर, सो दिस इज द वाइब ऑफ मलेशिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वाइब ऑफ कुआलालंपुर, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। और इधर मैं आपको दिखाऊं, जैसे वो जो बिल्डिंग है वो मेरा होटल है जहाँ मैंने स्टे किया, एंड इट्स लाइक इन द मेन डाउनटाउन, इन द मेन सिटी सेंटर में जो है हमारा होटल है। ऑल बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय होटल जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत होटल है, मतलब यू विल लव इट, लेट्स गो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका एंट्रेंस किस तरह का, रात का इसका क्या व्यू है, कल सुबह जब घूमने निकलूंगी तो दिन का व्यू दिखाऊंगी। सो लेट मी शो यू। यहाँ से हमें लॉबी नजर आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये हमारी एंट्रेंस है। फ्लोरिंग इस तरह की हुई हुई है, बहुत ही जबरदस्त वाइब है भाई यहाँ की होटल की। यहाँ से स्टेयर्स है, एक रास्ता उधर से एक इधर से है, इट्स लाइक दिस। अभी ये बंद हो गए हैं इसकी लाइट्स, ये देखें, ये है मेरा होटल। अभी सब बंद हो गया बिकॉज रात के 12 बज रहे हैं, एंड ये मैं हूँ, दिस इज मी। ये इसकी पूरी ऊपर से रूफ है, ये यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम है। सो ये मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, और लिफ्ट के अंदर भी लाइट इतनी अच्छी है कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ ना, मुझे तो मैं लग रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मैं इसमें नजर आ रही हूँ शीशे में।